हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अब्रॉड सागा। तो आज हम जा रहे हैं वाइगे आइलैंड। यहाँ ऑकलैंड से ये 50 किलोमीटर दूर है और यहाँ से सिर्फ हम जाएंगे अपने क्रूज़ में। यहाँ पर सिर्फ फेरी चलती है, तो अभी हम यहाँ पर फेरी का टिकट लेने आए हैं ऑकलैंड से वाइगे आइलैंड जाने के लिए। पूरी जो ट्रैवल रहेगा वो फेरी में रहेगा। तो हमारी बोट ने अब छोड़ दी है अपना बोट। बाय बाय ऑकलैंड। Excited? Yeah. First time. पहली बार है जिसमें इतने बड़े जो है बैठ रहे हैं। का है और जिस तरह भी है। ये वाले में हम कल गए थे। उस टाइम हम बैठे हैं, तीन मंजिल नहीं, उस टाइम ही गया। कल उसी में गए थे हम। हाँ, उसमें कल गए थे। कल नाइट व्यू देखा था यहाँ का। बहुत सारे हैं, प्राइवेट भी करते हैं। यहाँ का कल नाइट व्यू था, हमने देखा था। आज एकदम डे व्यू देखे। आज थोड़ा सनी वेदर है तो अच्छा व्यू दिख रहा है यहाँ। ये हम दो चीज लिए थे, वाइगे आइलैंड। पूरा आइलैंड का पूरा डिटेल इसमें है, ये वाले कार्ड में। हाँ, वाइगे आइलैंड का पूरा डिटेल है। फिर एक बस का है, तो बस कहाँ कहाँ जाती है उसका पूरा डिटेल है। ये है पूरा। और ये तो अपना है एक कम्प्लीमेंट्री हेलीकॉप्टर, अगर लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो अपने पैसे से। इनका भी टिकट वगैरह दिया वंस अनटेंड है। बोट से उतर के इधर आ गए हैं नीचे। भाई वाइगे आइलैंड्स का यहाँ पे सब टिकट्स वगैरह मिल रहे हैं, फेरी वगैरह का, कैफे भी है। बाइक रेंटल करना है तो हाँ, जिनको अगर किसी को बाइसिकल चाहिए तो रेंट के लिए यहाँ पे कार बाइक सब मिल रही है। बाइक मतलब यहाँ पे साइकिल को बाइक कहा जाता है। अभी हम लोग यहाँ से बाहर आ गए हैं। आपको ऑप्शन होता है, आपको मेट्रो वाला जो बस 80 वाले आप ऑप्शन ट्रांसपोर्ट का वो यूज़ कर सकते हो, या फिर हाफ बुक कर सकते हो दिन भर के लिए। वो हाफ एंड हाफ रहता है, अब दिन भर का वो वैलिड रहता है जितना ट्रेवल कर लो। $34। तो अभी हमने ये वाली कराई है हाफ एंड हाफ। ये डबल डेकर एसी बस है।
वालो लग्जरी। देखते हैं बस में चलते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर ऐसे करके ऊपर बस जाएगी घूमते घूमते, करीब 16 बजे समझ जाती है, 11 लोकेशन आ रहा है, 16 लोकेशन चल जाएगी यहाँ पे। फर्स्ट लोकेशन कौन सा है? अल्सन पार्क कैपिटल स्ट्रेल, ये वाला है। उसके बाद जाएगी बस स्टैंड विलेज, जाएगी एक गांव है वहाँ पे, यहाँ पे उसको देखेंगे। वाइगे आइलैंड अटक, तो कुछ लोग यहाँ उतर गए हैं हमारे साथ स्टॉप नंबर 1 पे। यहाँ पे है आर्ट गैलरी और बाकी हमारी बस चली गई इधर। यहाँ का ये फैन है, लाइब्रेरी है, इंडियन क्यूजिन है, ये रहा स्ट्रक्चर, ये तो बिल्कुल टेपा बिल्डिंग जिनके यूनिवर्सिटी में उसी टाइप का थोड़ा थोड़ा लग रहा है। एलिसन पार्क स्क्रप्चर जो यहाँ पे सबसे पहला स्टॉप था, तो ये यहाँ पे है एक स्क्रप्चर टाइप का, ये बहुत पुराना स्क्रप्चर है यहाँ का, वेरेके आइलैंड का। ये चौक है यहाँ पे, छोटा छोटा सा एक विलेज टाइप का था यहाँ पे चौक, ये इंडिकेट कर रहा है वाइन का, इन डब्बा खोल के रख दिया, ये बस स्टॉप है असल में, सजाया हुआ है। फिर ये छोटा सा विलेज है, यहाँ पे भी लोग रह रहे हैं। यहाँ कितने सारे घर बन गए, सब रह रहे हैं, देखो टाउन में बराबर। तभी हम आ गए स्टॉप नंबर 5 पे वाइल्ड स्ट्रीट, यहाँ पे है रेस्टोरेंट, वाइन यार्ड, ब्रेवरी एक्टिविटीज, और ये छोटा सा पार्क है इधर। अब इधर चलते हैं हम लोग वाइन यार्ड, यहाँ पे जो बाकी लोग जा रहे हैं उनके पीछे पीछे हम भी जाएंगे। अब ये एस्टेब्लिश हुआ 2007 में वाइल्ड ऑन वाइकेरे, फैमिली वाइन यार्ड है ये सामने जो दिख रहा है। हमको पैदल पैदल जाना है बहुत दूर, वो जो दिख रहा है वहाँ तक। यहाँ पे वाइन यार्ड में स्टार्ट हो गया है, यहाँ से पूरा देख सकते हैं, यहाँ पे लगे हैं जो पेड़, इन लोग के जो कर रहे हैं फार्मिंग वाइन यार्ड का। ये है यहाँ पे स्टोरी विंच वाइन यार्ड, लेट्स सी वेयर इज द एंट्री गेट। तो ये मिल गया हमें एंट्री गेट वाइन यार्ड का, अब हम एंटर कर रहे हैं वाइन यार्ड में। ये घर में पूरा बेली वेल का लगा रखा है, अच्छा दिख रहा है ये घर। इसमें दिया है रेस्टोरेंट, इधर है वाइन टेस्टी के लिए भी उस डायरेक्शन में जाना है, डिलीवरी व्हीकल्स है। यहाँ पे रेस्टोरेंट है और इधर ही वाइन यार्ड भी है। यहाँ गणेश भगवान आ गए, हे भगवान, जय गणपति बप्पा, वाइरेके आइलैंड, इतने दूर गणेश भी भगवान आ गए, लगता है वाइन यार्ड वाला इंडियन है, गणेश भगवान रखे हैं, गणपति बप्पा मोरिया, लगता है पूरा इंडिया से तैरते तैरते यहीं आ गए वाइरेके आइलैंड में। लुक एट दिस प्लेस गाइस, सो ऑसम, सो लवली प्लेस। ये रेस्टोरेंट है और नीचे इधर वाइन यार्ड है, लेट्स गो देयर। इसको ही बैठने का बना दिया है डब्बे को। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा, ये पूरा यार्ड है वाइन के लिए, यहाँ पे अंगूर के लगे परे भी हैं, काले अंगूर,
ये देखिए इन सब की यहाँ पे वाइन्स बनती है, इसलिए वाइन ऐड करके यहाँ पे खोला गया ये रेस्टोरेंट और वाइन टेस्ट वगैरह के लिए। यहाँ पे क्या होता है ना, स्ट्रॉबेरी के अलावा ऑलिव्स भी है, ऑलिव्स के ऑयल निकलते हैं ना, वो ऑलिव्स के हैं बहुत सारे पेड़ यहाँ पे। तो ये ऑलिव फला भी है यहाँ पे, इसी का ऑलिव ऑयल निकलता है, उसमें हम यूज़ करते हैं अपने वेजिटेबल ऑयल्स टाइप। बहुत हेल्दी रहता है ऑलिव ऑयल्स बाकी ऑयल्स के कंपेयर में। एकदम पड़े हुए काले अंगूर, टेस्टी टेस्टी और नीलू के फेवरेट काले अंगूर। So yes, for this one it's very complicated, but also very complicated to grow in New Zealand. स्ट्रेंट है इधर पीस के, यहाँ पे वाइन बनाते होंगे पुराने जमाने में। हम आ गए हैं तेमोटू वाइनयार्ड और यहाँ पे देखिए छोटा सा झील बनाया है इन्होंने एंट्री गेट में। लेट्स गो इनसाइड बाय क्रॉसिंग दिस ब्रिज। हाँ ये बन रहा है, और तेमोटू वाइनयार्ड इधर लेफ्ट में है और राइट साइड में उन्होंने कुछ कुछ अपना कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, साइड रेस्टोरेंट समथिंग लाइक उसके जैसे ही बना रहे हैं। ये अच्छा है, यहाँ से झील उन्होंने बना के रखा है छोटा सा आइलैंड में एंट्री पे। तभी हम आ गए हैं 8वे स्टॉप पे, एक बीच है यहाँ पर सामने दिख रहा होगा आपको बीच, यहीं रोड से समुद्र में आ गए हैं बीच में। एकदम लहरों की आवाज आ रही होगी, एकदम बहुत तेज लहरें चल रही हैं। और इधर पास में रेस्टोरेंट है बीच का व्यू में, देखते देखते सब खा रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पे बीच पे हमने देखा है यहाँ पे पब्लिक किचन टाइप का भी दिया है कुछ, यहाँ पे आप कुछ कुकिंग वगैरह कुछ करना हो आपको अगर, तो ये ओवन टाइप का है, कुकिंग करके यहाँ पे आप खाना खा सकते हैं। तो गाइस हम लोग आए हैं बीच के पास वाले रेस्टोरेंट में, एकदम सी फ्रंट वाला रेस्टोरेंट है, सी फ्रंट मतलब बीच के फ्रंट में, आज का लंच करने। अब देखते हैं क्या ऑर्डर करते हैं आज कुछ लंच, गार्लिक ब्रेड और सम चिप्स विद सम चीज़ ओवर इट एंड देन द कैपेचिनो एंड नाउ वी आर एंजॉयिंग इट। अब हम बीच से निकल के आगे जा रहे हैं और हमें मिली है यहाँ पे डबल डेकर बस। हम लोग ऐसे बैठे थे यहाँ पे और यहाँ से सारा व्यू देखते हुए आए थे, अब हम जा रहे हैं नीचे। बैच विनरी, ओ यहाँ पूरा वाइन का प्रोसेसिंग चल रहा है, वाइन इज पोट्री इनसाइड अ बॉटल, सब में वाइन भरी हुई है, अंदर में भी वाइन्स हैं इतनी सारी। ये रेस्टोरेंट है पूरा भाई, ये है मैं तो मसूर में हम चल रहे हैं, ये मिस कर रहे थे हम लोग। आ गए हम लोग व्यू, इतना टॉप का व्यू देखने आ गए, ये देखो इधर भी पूरा पूरा दिख रहा है सिटी आल्सो, सो वी कैन लुक द ऑकलैंड सिटी हियर एंड देयर इज द होल आइलैंड व्यू। लोग तुम थोड़ा क्या भाई मेरा बड़ा, ये देखो इतने सारे अंगूर फरे हैं यहाँ पे, नहीं खा नहीं सकते छोटे हैं। और इधर वाइनयार्ड पूरा इतना बड़ा आइलैंड है पूरा। क्या फोटो खींचे मेरा, इनको बस फोटो खींचानी है। यहाँ पे इतने सारे अंगूर, इसके बनेंगे वाइन्स। यहाँ पे भी लोग अपना कुछ पार्टी डिनर कुछ कर सकते हैं,
उसके लिए भी यहाँ पे दिया गया है। और वहाँ पे एक चेयर है पेड़ के पास बैठ के सीन देखने के लिए आराम से। टॉप व्यू देख रहे हैं यहाँ से, टॉप ऑफ द ऑफलैंड। और यहाँ पे बैठ के भी आप एंजॉय कर सकते हैं अपना लंच डिनर। इट्स सो ब्यूटीफुल। हर तरफ देखेंगे आपको अंगूर अंगूर अंगूर, और बीच में मिल जाएंगे एक लंगूर। ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पे एक प्लेस है, इधर भी बहुत ही सुंदर रेस्टोरेंट है। मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा, एकदम पूरा वाइट वाइट है इसका थीम, बहुत ही अच्छा लग रहा था रेस्टोरेंट एकदम। वापस अपने बस की ओर, बस स्टॉप पे, क्योंकि हमारी बस आने वाली है। तो अब हम उतर के आ गए हैं बस से, और यहाँ हम घूम रहे हैं लोकल विलेज जो यहाँ का है। यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स रेस्टोरेंट हैं, किसी को अगर कुछ शॉपिंग वॉपिंग करनी होती है तो यहाँ कर सकते हैं। यहाँ ये रेस्टोरेंट से भी ओशियन व्यू दिख रहा है। इस स्ट्रीट का नाम ही ओशियन व्यू स्ट्रीट है जो यहाँ पे है, ये स्ट्रीट। व्यू दिख रहा था रेस्टोरेंट से, फिर ये लोकल मार्केट हम लोग घूमने लगे। यहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी ड्रेसेस बीच वगैरह की मिल रही थी, बहुत सारे टॉयस वगैरह कैप सब यहाँ बीच का सामान बहुत मिल रहा था। बहुत अच्छा लोकल मार्केट है, बहुत लोग रह रहे थे दूर के आइलैंड में भी यहाँ पर। तो हम लोग एक शॉप में घुसे हैं यहाँ पे, और वायरेके आइलैंड के कुछ याद में हम लोग कुछ एक मैगनेट लेना चाह रहे हैं। नहीं ये ठीक है, इसमें कुछ बीच का व्यू भी दिख रहा है अपना। अभी हम आ गए हैं आइलैंड से घूम के, हमारी शिप खड़ी है वापस जाने के लिए। ये देखिए वायरेके आइलैंड को हम टाटा बाय बाय करके जा रहे हैं। ये हम अपना टिकट दिखा देते हैं, बाइक अपनी खड़ी कर सकते हैं। ये स्टोरेज एरिया है, ये समुद्र तट है। We are back here. अभी हमारी शिप पूरी पैक हो रही है। ये हमने पोर्ट छोड़ दिया है यहाँ से। बाय बाय वाइग्रे आइलैंड। जब यहाँ पोर्ट पे पहुंचा तो इसको यहाँ पे बांध दिया हूँ ताकि बोट इधर उधर हिले मत। निकलते हुए आ गए वापस। काफी मजा आया वाहिके आइलैंड में, बहुत ही अच्छा लगा क्रूज में जाके। ये हमारी क्रूज है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।